अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ैबा के ब्लॉग में आप सभी का खैर मकदम है। सो फ्रेंड्स, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे लजीज सफर पर जहां हर जायका अपनी कहानी बयां करता है। तो फ्रेंड्स, खाना सिर्फ जरूरत नहीं, एक फन है, एक जज्बा है जो हमें आपस में जोड़े रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे उन खानों को जो सिर्फ भूख नहीं दिल भी खुश कर देते हैं। आज हम मिलेंगे एक ऐसे दस्तरखान से जहाँ पर मोहब्बत के साथ तैयार होता है एक निवाला और जुबा पर एक लुत्फ भरा स्वाद छोड़ जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ हर डिश के पीछे छुपी है एक महसूस करने लायक दास्तान। आइए आज इस लुत्फ भरे सफर में मेरे हम सफर बनिए, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तो स्वाद के रंगों में ही है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने शुरू किया है एक फूड रिव्यू सीरीज, जिसका आज हम शूट करने वाले हैं एपिसोड 2। उसके लिए हमने चूज किया है करिश्मा ढाबा, जो कि भिवंडी में तो बहुत ज्यादा फेमस है ये, लेकिन रिसेंटली कुर्ला में न्यू ब्रांच लॉन्च हुआ है। तो आज हम जाएंगे वहाँ पर, बहुत सारी रेसिपी ट्राई करेंगे और वहाँ का जो भी ऑनेस्ट रिव्यू होगा फूड का, वो आप लोगों को देंगे हमारे चैनल। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं हमारे लोकेशन पर, जहाँ पर हमारी फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही थी। गाइस, यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले हम लोगों को प्लेटर में मिला है चना गार्लिक, जो ढाबे की शान होती है। इसके बिना हर ढाबा अधूरा होता है। कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे को एक चीज़ बता दूँ, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर हम लोग कई मतलब जो भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर कुछ भी खाते हैं, तो जो खाने में जैसा है वैसा ही बताना रहता है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है तो तुम हाँ बोल दो, ऐसा नहीं है। तो ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। चटनी के साथ कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो गाइस, उंगलियाँ चाट रही है तो इससे समझ जाओ कैसा होगा। सही सही। तो अभी नेक्स्ट डिश देखते हैं क्या आती है। अपन मेन्यू देख कर चेक करते हैं, ठीक है? मेन्यू कार्ड है, हम लोगों ने कुछ मंगाए हैं। तो दफर क्रीम पसंद है तुम्हारे को? नहीं पसंद है, ठीक है। इसमें से कोई सा तो प्लेटर तुमने मंगाया है, यहाँ पर ही कहीं होगा। कहाँ पर है? यहाँ पर है। फर्स्ट वाला जो है वो हम लोग ने मंगाया अभी, तो ये हम लोग और ये मतलब ये दो चीज़ मंगाए हैं। 4,500 का है, ये 1600 का है। सबसे खतरनाक वाला प्लेटर मेरे को खाने का यहाँ पे, वो 16,000 का है, जिसमें अक्खा बकरा मिलेगा। तो ये मुझे खाना है, तो बकरा ईद में हम लोग आएंगे, बकरा अच्छा बकरा लेके यहाँ पे, ठीक है? तो तुम ये वाला बकरा खाना पसंद करोगी? और गाइस, अपन इतना सारा तो खाए रहे, अपन कब रोटी में तो प्लेट भर जाएगा, इसको अक्खा कैसा खाएंगे? वो तो अभी अपन ने ये मंगाया नहीं ना, क्योंकि 16,000 का है, अपन मंगाएंगे, ठीक है? जब यूट्यूब आप इनकम दे दो तो फिर हम लोग कुछ खा सकते हैं। मेरे यूट्यूब की इनकम आने में अभी बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे तो 1K सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो 1K करो ना, अभी तो कर सकते हो 1K। कुछ चीज यहाँ की पसंद आई है जो अहमद भाई मुझे बोल रहा था बहुत अच्छी है। अहमद भाई क्या नाम था? चिकन मिर्ची, चिकन मटका अंडी, चिकन दबंग, चिकन अंडी, बंजारा ग्रीन अंडी, अंगारी अंडी, शोले, कढ़ाई, लंबा, चिल्ली, मंचूरियन, पटियाला, लपेटा। ये तुम अपने होटल में रखना चाहोगे ये सब? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कोल्हापुरी, ये तो करिश्मा हो गया, कोल्हापुरी कैसा? कोल्हापुरी और हैदराबादी लफड़े हो जाएंगे। कोल्हापुरी और हैदराबाद के लफड़े। चिकन दो प्याज। अमर भाई, तुम अपने इसमें कुछ रखना चाहोगे? और मैं तुमको एक चीज दिखा दूं, और मैं चाहती हूँ कि अपन यहाँ पर आए, ये 16,000 का प्लेटर है, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे? सॉरी, मैं चिकन खाता हूँ, बकरा नहीं खाता। तो मतलब ये कैंसल? कैंसल। चलो ठीक है, तुम अब उसके उसको वो चाहिए तो क्या करेंगे? बकरा नहीं खाते, एक डिश का पता है नाम का था, आप भी सुनते हंसोगे। चिकन चिल्ली मुन्ना। चिल्ली मुन्ना वो तुम्हारे लिए बना है? चिल्ली मुन्ना मेरे लिए। कंपनी क्या शॉर्ट है? मंडा है, क्या बोलते तुम? मंडा बिग बॉस देख रहे क्या? नहीं, नहीं। क्यों ऐसा? तो तुम्हारे चैनल पे व्लॉग्स नहीं आ रहे? चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे? ये करेंगे अभी अपन, इसका वेट करते, ठीक है? आज जो भी तुम खाओगे, जो भी टेस्ट जैसा अच्छा रहेगा तो अच्छा, नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं अच्छा, ऐसा बोलना है, ठीक है? आप
एक और खाने में कितना टेस्टी लग रहा है, क्या बात है, खाने में कैसा लग रहा है। दूसरा भी आ गया। तू एक नंबर नंबर डिश है। अभी आपको मैं टेस्ट करके बता दूं कि कैसी लगती है। चलो ठीक है गाइस, अपना डिनर आ गया। डबल एक जीसीसी है, बीसीपी है, हां ये चीज गार्ली है, ठीक है, ये फिश टिक्का है, हां ये बन जाना है, ठीक है। कितना खाना चाहोगे तुम? बंजारा बंजारा, योर नेम इज बंजारा, नहीं खाना चाहोगी? चलो ठीक है। अपनी प्लेट की प्लेट आ गई है। ये फिश है, ये फिश है, बाकी सब चिकन है। चिकन गार्लिक, थैंक यू। यहाँ पे मेरी प्लेट आ गई, कैसा है बता भी दे, कैसा है गार्लिक का टेस्ट आ रहा है? अभी क्या नेक्स्ट क्या ट्राई करना है? वेट वेट, ये क्या है, कैसा है खाने में, कैसा है आज खाने में, कैसा है? बेस्ट। चलो ठीक है गाइस, उंगली चाटा जा रहा है आज, जब बच्चा उंगली चाटता है तो समझ जाने का टेस्ट में अच्छा है। अभी हम खाएंगे चिकन गार्लिक जो हमारा है। एक इधर है ना चिकन गार्लिक का, मैं आपको बता दूंगा। दीदी इसमें चीज है क्या? फिश चिकन बंजारा, चिकन बंजारे का रिव्यू देंगे। खाने में भूल गए, कैसा है? नॉट बैड, कैसा है? एक नंबर बोल, खा सकते मतलब मत करके बोलो। येलो वाला चाय, गैदे वाले की तारीफ हो रही है तो अपन भी टेस्ट करते हैं। इसका नाम भूल गए, इसका नाम हम लोग भूल गए, बट खा के टेस्ट करेंगे। मुझे वो येलो वाला ना, इसको एक बार येलो वाला बहुत सही, मुझे भी डालो। ये भी अच्छा है टेस्ट में, 10 out of 10। अभी मैं ट्राई करूंगी, इसका नाम मुझे बोल रही हूँ। इसको नहीं पसंद है, मैं देखती हूँ। अच्छा चिकन के सामने ये कौन खाए? 10 out of 8 जो ग्रीन वाला चिकन है ना, उसको आयत ने 10 out of 2 दिए। तू कितना देगी? मैंने खाया ही नहीं ये वाला। नहीं तुम कितना देंगे? 10 out of 4। और अभी ऑरेंज वाले का टेस्ट करते हैं। 10 out of 8 मुझे इतना खास नहीं लगा। 10 out of 10 दे रही है इसको, मैं देखती हूँ। अहमद भाई ग्रीन वाला चिकन कैसा था? 10 out of 4 आई येलो वाला, मच्छी 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 में मैंने नहीं खाया। तो आज का जो रिव्यू था एकदम ऑनेस्ट था, इसमें तो 2 दिए है ना। और अब गाइस ये वाले को हम लोगों ने पास नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगा, तो इसको वेस्ट है। गाइस बटर नान, हमको बटर नान पसंद है या तंदूरी रोटी? बटर नान, ठीक है। इसको भी 10 out of 10 मिलेगा। मैं तंदूर का टेस्ट आ रहा है, बोलो। आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट ओनली सैलेड, आई वांट ओनली दिस चिकन।
गाइस ये देख रहे हो ना आप लोग क्या कर रही है। ग्रेवी में मैंने ली हूँ मटन की ग्रेवी, अभी इसका टेस्ट करती हूँ और इसका रिव्यू देती हूँ। मटन की ग्रेवी एंड बटर नान कितना लोगे? 10 out of 100। कितना अच्छा है बटर नान, मुझे बहुत पसंद है। ग्रेवी बहुत अच्छी है बटर नान से और अच्छी लग रही है। नहीं 10 out of 100 दियो। तंदूरी रोटी आ गई है, बोलिए। तंदूरी रोटी मुझे नहीं पसंद है गाइस। ठीक है मत खाओ, जो पसंद है तुम वो खाओ। ठीक है मेरा खाली एक रोटी से ही पेट भर जाएगा। चलो फातू मटन ग्रेवी को 10 out of 100 मिला है, आज की तरफ से मिला है। तो मैं चाह रही तू खा टेस्ट कर और बता। ठीक है मामू कैसा है? बकरे को खोलिए था, कोई अगर रोटी लेगा तो मैं मामू में चलाऊंगा। रोटी चाहिए? तुम नहीं आ रहे? मुझे थोड़ा सा देगा 10 out of 100। मानी कैसा बैठे थे तुम? लाल मास्क जैसा। कैसा है, कितना नंबर मिला? 10 out of 100 दिया यार ने। रोटी ले लिया मैंने। बोलेंगे कुछ नाइस। 10 out of 100 मटन मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं आती हूँ। चलो सही, एकदम जेन्युइन रिव्यू देती हो तुम यार। मुझे लगा था टेम्पस कर रही है बट जो ओवर है। ग्रीन कर देना मेरी तरफ से, ऑल डन। नवाज भाई तुम कुछ खा रहे नहीं, क्या चाहिए तुमको बोलो ना। ठीक है वो नहीं खाएगी ना मटन, फिर भी तो नहीं खाया। ये भाई स्टार्टर कैसा लगा है? मत भाई सबको नहीं बाबू बीच अच्छा था। ग्रीन वाले को 10 out of 10 बोल रहे हैं, मेरी तरफ से 0 ग्रीन वाले को। एकदम जेन्युइन रिव्यू देना ठीक है। सही है सूफी, चिकन खा रही ना खिला के दे। तुम कुछ खा रहे नहीं भाई, क्यों ऐसा डाइट पे हो? मैंने स्टार्टर ना मैंने अंडी जबरदस्ती खिला रहे। हमारा तो ओवर हो गया, बट यहाँ पे जो मेरी बहन है उसको राइस के बिना नहीं जमेगा। राइस कंपलसरी है 100%। अहमद भाई, अहमद भाई मेरे को राइस से कुछ याद आया, अजमेर में कुछ हुआ था ना अहमद भाई? अजमेर में कुछ हुआ था ना राइस के लिए, रोटी के लिए जगह नहीं थी। गाइस हम लोग अजमेर गए थे, याद है कुछ? हम लोग गए थे होटल में, ठीक है। अहमद भाई भी था, ठीक है। तो अहमद भाई भी था, भाई भी थे, लोग सब थे। हाँ इन लोग रोटी का भी बोली, और रोटी मंगाओ बोले नहीं, पेट फूल है, चावल मंगाओ बोले मंगाओ। रोटी के लिए जगह थी, चावल के लिए जगह। गाइस बिग पीलू मेरा भी, हमें फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, हम बिग पीते हैं, इसलिए हम बिग पीते हैं। कोका कोला थम्सअप उम्सअप सबको बायकॉट करते हैं हम। बट बाय मिस्टेक हम लोग गलती से पी लिए थे एक बार, बट अब आ गया कि नहीं पीना है ना, गलती इंसानों से होती है, कोई मसला नहीं है। अंडे का रिव्यू देना है, दो ना बोलो ना। अहमद में बिक नहीं पसंद, बिग नहीं पसंद, अच्छा है। फिर ये बात सही है। अमन भाई तुम चुप चुप क्यों रहता? वो खा रहे हैं। बाय।
के नीचे चिकन है क्या? नहीं नहीं है। अट्टू राइस है, अंडा है। हमें राइस नहीं चाहिए ना, तुमको चाहिए? ठीक है, तो तुम राइस खा के उसका रिव्यू दे देना, ठीक है? उसका रिव्यू देना, ठीक है? जैन में मुझे राइस चाहिए। स्टार्टर राइस कैसा है? प्लेट बता सकती है टेस्ट क्या मसला है? अमन भाई राइस तो अभी खाए भी नहीं भाई, ये फेंक हो गया, ये फेंक दिया भाई। टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी बोल रहे राइस खाता बताएंगे। राइस तुम्हारे लिए, राइस अब भी मंगाते हैं, तुम बताओ कैसा है? और तुम्हारी राइस उधर है, चलो आओ, चलो तुम्हारी राइस दादी के पास है, तो तुम खा के बताओ कैसा है। और राइस में अंडा और काजू भी है। ओके, अंडे के साथ खा के बताओ। ये फातू टमाटर की चटनी के साथ खा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई सही बात है, हाथ से खाने का अलग ही मजा है। नमाज भाई यहाँ की तुम पहले सोच लो। आए बेटे ना बता मसाला है अमन भाई, कुछ बोलो भाई, तुम चुप अच्छे नहीं लग रहे। पेश कैसा लगा खाना? 10 out of 7 ऑल इंडिया। यहाँ का होटल वो कैसा है? सिटिंग एरिया कैसा है? सिटिंग अरेंजमेंट और अच्छा हो सकता था क्या? और का हमारी फैमिली बड़ी है, और अच्छा फिटिंग अरेंजमेंट हो सकता था। मैंने 10 लोगों का, हमने 17 लोग एडजस्ट करे यहाँ पे। सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट है। और मत बनाओ, तुम बताओ तुमने खाए थे, तुमको क्या क्या अच्छा लगा? क्या क्या अच्छा लगा खाना खाए थे ना अभी, क्या क्या अच्छा लगा? और बारबेक्यू नेशन वाला, भाई बारबेक्यू नेशन वाला नवाज़ ग्रीन वाला चिकन पसंद आया था तुमको भी? हाँ। और रोटी पसंद आई? कोई एक एक कुछ एक क्या पसंद आया? एक सबसे अच्छा क्या लगा तुमको? सबसे अच्छा जैसे की क्वालिटी अच्छा अच्छा लगा? सब कुछ बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। खाने को नाम नहीं रखते भाई, सबसे अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू आ गया। खाने को नाम नहीं रखते तो हम नाम नहीं रख रहे, हम बता रहे क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। कितना गंदा रिएक्शन नहीं भाई, खाना खाने लो भाई। अमन भाई क्या हुआ? वो मुझे गार्लिक चने में लहसुन बहुत अच्छा लगा, बहुत महंगा है लेकिन मेरे को उसकी ट्रे अच्छी लगी। थोड़ा थोड़ा काला भी था। हाँ, काला गंदा भी था। वो मैंने जाना था। खराब हो रहा है भाई, करिश्मा ढाबा वाला बोलेगा नेक्स्ट टाइम से आना नहीं। और गाइस अभी अपन करते हैं अपनी वीडियो को एंड, चलते घर पे और मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से। अंकल एक नंबर आना था, मजा भाई, मजा है। आते रहो, कब आने का बोलो, फाइनली हम लोग आ गए अपने घर पर। एंड जो भी जेन्युइन रिव्यू था वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड आप लोग अपना फीडबैक मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड गाइस करिश्मा ढाबा हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, वहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा था, उन लोगों की सर्विस बहुत अच्छी थी, हाइजीन के मुकाबले में अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा था। एंड गाइज आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट करो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँ, कहाँ का फूड में रिव्यू आप लोगों को चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।